अभी ऑपरेशन ओ में चलेंगे। तो देखिए ऑपरेशन ओ का जो चेकिंग साइन है, LSDGA ग्लोज अगेन विद इन 15 सेकेंड आफ्टर क्लोजिंग BLVMT। आप BLVMT क्लोज करते हैं और 15 सेकेंड का अंदर में LSDGA का बत्ती जल जाता है। ये है ऑपरेशन ओ। तो ऑपरेशन ए का जो जोन है वो है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है ऑपरेशन ओ के जोन। तो इसमें जो संभावित कारण है वो है आइदर MVMT 1 और QVMT 1, आइदर MVMT 2 और QVMT 2, एंड आइदर MVRH और QVRH। तो आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप ये तीनों स्विच को तीन में डालेंगे, HVMT 1, HVMT 2, HVRH, तीनों स्विच को तीन में डालेंगे, तीनों ब्लोअर का वर्किंग इंश्योर करेंगे और ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। उसके बाद एक एक करके सभी स्विच को वन में लौटाएंगे। जिस पर्टिकुलर स्विच को वन में लौटाने से फिर से ट्रिपिंग मिलता है वो स्विच को खाली तीन में रख देंगे। और यदि ये तीनों स्विच को तीन में रखने का बाद भी सफलता नहीं मिलता है तो तीनों स्विच को वन में लौटा देंगे और Q118 को वेज करके ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। अभी अगर आप देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ब्लोअर काम नहीं कर रहा है, जैसा मान लीजिए MVMT 1 काम नहीं कर रहा है, तो HVMT 1 को जीरो करना पड़ेगा, यानी कि ब्लॉक वन को आइसोलेट करना पड़ेगा। HVMT 1, HVSI 1, HVSL 1, ये तीनों को जीरो करेंगे और लोको में यदि HC 105 है तो HC 105 को भी जीरो करेंगे। और ब्लॉक वन को आइसोलेट करने का बाद में यदि ब्लोअर कंट्रोल सर्किट नॉन मॉडिफाइड है तो C106 को क्लैम करना पड़ेगा। लेकिन आजकल मैक्सिमम लोको में ब्लोअर कंट्रोल सर्किट मॉडिफाइड हो गया, ब्लॉक वन आइसोलेट होने से भी C106 को क्लैम करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली BLVMT क्लोज करके MVMT 2 का पास में चला जाइए, यदि MVMT 2 चलता है तो C106 को क्लैम करने का कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही अगर MVMT 2 काम नहीं करता है तो ब्लॉक 2 को आइसोलेट कर दीजिए, और यदि MVRH काम नहीं करता है तो सबसे पहले HVRH स्विच को जीरो में डालिए और उसका बाद में देखिए कि लोको में HC105 है या नहीं। HC105 यदि है तो HC105 को जीरो में डाल दीजिए और नॉट एक्सीडिंग 500 एम्स लेके आप ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। MVRH का केस में सिर्फ ब्लॉक सेक्शन ही क्लियर करना होगा। और यदि लोगों में HC105 नहीं है तो देखिए इसमें होता क्या है, जब आप MVRH जल गया या काम नहीं करता है, मतलब HVRH को जब आप जीरो में डालते हैं तो C107 ओपन हो जाता है। ये जो C107 है ये C107 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक और क्लोज नहीं होगा। तो इसीलिए HC105 होने से उसको जब जीरो करते हैं तो ये तीनों इंटरलॉक इधर से बाईपास हो जाता है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन यदि HC105 नहीं है तो यहाँ तक आके करंट रुक जाएगी, क्योंकि C107 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज नहीं होगा क्योंकि आप HVRH को जीरो कर दिए हैं। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, Q118 को वेज कर देंगे और Q118 को वेज करके 920 एम्स फॉर 10 मिनट्स एंड 500 एम्स कंटिन्यूअस ये करंट रेटिंग लेके सिर्फ ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। ये है ऑपरेशन ओ। अभी आइए ऑपरेशन वन। तो देखिए ऑपरेशन वन का ट्रिपिंग Q44 ब्रांच से मिलता है। कैसे मिलता है देखिए, अभी ये Q44 ब्रांच में सप्लाई आने का दो रास्ता है। DJ जब क्लोज हो गया तो इधर से Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ओपन हो गया, एक सीधा रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता GR जब तक जीरो में रहेगा तब तक ये कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा, तो दूसरा रास्ता ये है। अभी आप जब एक नॉच ले लेंगे तो ये रास्ता भी ओपन हो जाएगा, तो सिर्फ ये एक ही रास्ता रहेगा। तो ये रास्ता में यदि कहीं भी इंटरप्शन होगा तो आपका Q44 डीएनर्जाइज होके ट्रिपिंग मिलेगा। तो वो कहाँ हो सकता है,
ये ऑपरेशन वन जो है एक नॉच में आपको ट्रिपिंग मिलता है। LSDJ ग्लोज अगेन विद इन 15 सेकेंड आफ्टर टेकिंग वन ट्रैक्शन नॉच। तो इसका देखिए प्रोबेबल कॉज, इसमें आइदर MBSI 1 और QVSI 1 हो सकता है, आइदर MBSI 2 और QVSI 2 हो सकता है, और नहीं तो स्लागिश ऑपरेशन ऑफ GR यानी कि GR का धीरे चलना ये भी हो सकता है। यूजुअली GR एक नॉच से दूसरा नॉच में जाने के लिए 0.38 सेकेंड टाइम लेता है, लेकिन यदि 0.6 सेकेंड से ज़्यादा ले लेगा तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को बाईपास करने के लिए HVSI 1 HVSI 2 का रास्ता है, ये दोनों स्विच को आप 3 में डालेंगे। 3 में डालने से ये इंटरलॉक बाईपास हो जाएगा। उसका बाद में आप इंश्योर कीजिए कि MBSI 1 MBSI 2 काम करता है कि नहीं। यदि ठीक है, काम कर रहा है, तो आप एक नॉच लेके देखेंगे। यदि DJ होल्ड हुआ तो ब्लॉक सेक्शन क्लियर कीजिए। उसका बाद एक एक करके स्विच को नॉर्मल करेंगे। जिसको नॉर्मल करने से आपको ट्रिपिंग मिलता है वो स्विच को खाली 3 में छोड़ देंगे। और यदि दोनों स्विच को 3 में रखने के बाद भी आपको ट्रिपिंग मिलता है तो फिर आप सबसे पहले जाके इंश्योर कीजिए कि SMGR का प्रेशर 3 से 3.5 kg का बीच में है कि नहीं। और उसका बाद में GR को फ्यू टाइम्स मैनुअली ऑपरेट करके देख लीजिए। यदि फिर भी नहीं होता है तो एक एक करके ब्लॉक आइसोलेट करके देखिए। यहाँ ब्लॉक आइसोलेट करने के लिए इसीलिए बोलता है क्योंकि ये जो HVSI 1 HVSI 2 का बाईपासिंग डिवाइस दिया है ये रास्ता 0 में और 3 में बनता है। तो ट्रैवल शूटिंग का दौरान पहले ही आप 3 में रख चुके थे, अभी एक बार 0 में रख के देख लीजिए। जहाँ ये स्विच को आप 0 में रखेंगे तो ब्लॉक आइसोलेट होगा, लेकिन ये आप तब करेंगे जब एक ब्लॉक आइसोलेट करके आप काम कर सकता है तब। और यदि इसमें सफलता नहीं मिलेगा तो लास्ट ऑप्शन है मैनुअल कंट्रोल ऑफ GR। मैनुअल कंट्रोल ऑफ GR करके आप ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर दीजिए।